हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर कुवेम्पु यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए सारे प्रोसेस क्या हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सर्च करना होगा। जैसे आप सर्च करते तो आप देखेंगे कुवेम्पु यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसमें क्या क्या करते हैं, कितना कौन कौन सा स्कोर कार्ड रहेगा आपको वैलिड, आपको सारी चीज़ देखना पड़ता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से कुवेम्पु यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज्ड फॉर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज जल्दी किया जाएगा। आपको यहाँ पर कोर्स ऑफर करती है ये कंपनी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। कि गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 11th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्टेड है। UPES यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, महारचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIUN, काजीरंगा यूनिवर्सिटी। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई जरूर कर लेना आपको, ताकि आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर कुवेम्पु यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ किया जाएगा फॉर वेरियस कोर्सेज के लिए। अलग अलग कोर्सेज के लिए डिग्रीज, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करती है ये। डॉक्टरल लेवल के पोस्ट ग्रेजुएशन भी प्रोवाइड करती है आपको ये। तो यहाँ पर आप कुछ हाईलाइटेड देख सकते हैं जो यहाँ पर आपको दिख जा रही होगी। सबसे पहले आपको एक कोर्स बता देता हूँ जो कोर्स ऑफर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कोर्स ऑफर अंडर ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, अदर कोर्सेज भी ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटीज़। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जा रही होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अवेलेबल कभी होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी डेट देख सकते हैं यहाँ पर। लास्ट डेट कभी है और लास्ट डेट का फॉर्म का फ़ीस भी लगता है। और यहाँ पर और भी लास्ट करेंगे डेट तो यहाँ पर डिले करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरीके से डिले होते रहेगा और फीस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर आप देखे थे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज्ड बोला गया यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि जब रिलीज़ हो जाएगी तो आपको एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल ही करना पड़ता है। बटन कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देना पड़ता है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। सो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 250 और यहाँ पर फीस भी लगते हैं। यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ देने पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया बोला गया, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं प्रोग्राम नेम क्या है, एकेडमिक रिक्वेस्ट क्या है, बैचलर्स प्रोग्राम्स 120, 12th एग्जामिनेशंस बोर्ड आपके कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर आपको 12th कंप्लीट हो रहनी चाहिए 12वीं से, और 50% से कम नहीं मार्क्स चाहिए। मार्क्स आपका 50% से नहीं कम होना चाहिए बैचलर्स प्रोग्राम्स में। मास्टर डिग्री के लिए यहाँ पर आपकी 13वीं बैचलर्स होनी चाहिए। सो यहाँ पर फिर से आप एग्ज़ाम पैटर्न्स वगैरह देख सकते हैं, जो यहाँ पर हाउ टू प्रिपेयर कैसे करना होता वो यहाँ पर डिटेल्स में लिखी हुई है। आपको कैसे आपको प्रिपेयर करना होता आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको इम्प्रूव कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें एक स्टेप बाय स्टेप लिखी है। जैसे कि यहाँ पर एक बताया गया है कि आपको एक फॉलोइंग एक टेबल्स बनाने होंगे, टाइम टेबल, उस टाइम टेबल को फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप डेली रेगुलरली। यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको कहाँ से करना होता है, रिलीज़ किया जाता है ना एप्लीकेशन फॉर्म का, तो एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे कर दी जाती है। किसके, कुवेम्पु यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाता है एडमिट कार्ड आपका, और वहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसे डाउनलोड या फिर चेक करना तो कैसे करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है। वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर क्या है वो सारी चीज़ें टाइप करके आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे यहाँ पर। फिर आप लास्ट जो है एडमिशन प्रोसेस होते हैं, जो आप जानते ही हैं एडमिशन प्रोसेस होते हैं, तो आपको मार्क्स वगैरह परफॉर्मेंस अच्छी करनी रहती है, परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए मार्क्स में, मार्क्स अच्छे रहते हैं। फिर जो भी कोर्स आपको लेना है, जो भी वो कोर्स के लिए आपको एलिजिबल होनी चाहिए। तो एलिजिबल होने के लिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस और जो जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो एलिजिबिलिटी आपको होना पड़ेगा, मतलब वो एलिजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स देख सकते हैं अलग अलग, मीडियम ऑफ एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम बाय द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है, और अप्लाई करते समय आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगेंगे। तो ये प्रोसेस है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, सारी चीज़ें बता दी मैंने, तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखे है इस पेज के, तो आकर के आप वो चेक कर लेने। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।